हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। जो स्क्रीन पर ये नाप दिया हुआ है, आप देख लीजिए। लंबाई इसकी 14.5 इंच, सीना है 41, कमर है 35.5, आगे का गला है 6.5, पीछे का 10.5, शोल्डर हम इसमें लेंगे 6 इंच, आर्महोल हम इसमें लेंगे 6 इंच। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक हम रख देंगे और अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ हम खुला हुआ हिस्सा रखेंगे, अपनी तरफ हम फोल्ड करके रखेंगे। पहले हम नीचे से इसको सीधा करेंगे। यहाँ पे हमने सीधा कर लिया है। अब इसकी हम लंबाई पहले यहाँ पे लेंगे। पहले हम बैक पार्ट यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो इसकी है 14.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1 इंच इसमें प्लस करेंगे, 15.5 इंच लेंगे। और शोल्डर इसमें हम लेंगे 6 इंच। यहाँ से भी हम 6 इंच का एक निशान लगाएंगे। और आर्म होल भी अब हम लेंगे इसमें 6 इंच। और सीना हमारा 41, तो हम 10.25 इंच लेंगे इसमें। और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन दिया है। कमर की तरफ हम लेंगे इसमें 9 इंच इसकी कमर, और 1 इंच हम डॉट के लिए 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। इसको मिला देंगे 1 इंच से। आर्म होल की हम यहाँ पे गोलाई करेंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे का पार्ट हमने कट किया है उसी को ऊपर रख के साइड से हम हुकाई के लिए थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे। और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम सेट कर लें। अब हम देखेंगे जो बेल्ट, अब नीचे से हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा और इसकी पूरी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो आर्म होल की तरफ से लेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे की तरफ से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। जी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा अपनी डॉट डालने के लिए, जो आगे पार्ट में हमारे डॉट पड़ते हैं उनके लिए है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये कटिंग कर ली है, अब हम क्या करेंगे, ये कपड़ा हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हटा के रख देंगे। जो हमारे आगे के पार्ट हम इसमें कट करेंगे, गला लेंगे हम यहाँ पे चौड़ाई में 2.25 इंच, और गले की इसकी लंबाई है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच लेंगे। नीचे से हम 3 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। ऐसे ही आप गोलाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारी जो बेल्ट कट करेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। ये हमने लगाया 4 इंच पे, तो बीच से हम एक लाइन करेंगे और ऊपर की तरफ इसको उठाएंगे। और जो हमारी किनारे की तरफ है उसे भी हम ऊपर की तरफ थोड़ा ले जाएंगे और इसकी बेल्ट की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। इसमें हमें कोई और एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, जो ये हमारी बेल्ट इसमें अटैच हो जाएगी। अब हम क्या करें, आगे के पार्ट में आर्म होल की हम इसमें गोलाई देंगे, जो आगे के हम छाट दें, और जो हमने गला ड्रॉ किया था उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने आगे के पार्ट में इसमें गहराई दी थी वो भी हम कट करेंगे। जो हमने कट कर दिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, आगे के पार्ट में हम डॉट डालेंगे। हमने यहाँ से लिया है लंबाई चौड़ाई में 4.5 इंच, और नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप देंगे और हमारी ये डॉट डल जाएंगी। ये हमारे आगे का पार्ट यहाँ पे कट हो गया है। अब जो पीछे का पार्ट हमने कट करके रखा था उसमें जो हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच, और इसकी लंबाई है 10.5 इंच,
और नीचे से हम लेंगे इसकी 3 इंच। आप अपने अनुसार ले सकते हैं ज़्यादा आप, और इसकी गोलाई कर देंगे। यहाँ पे इसकी अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पीछे की जो हमने डॉट डाल ली है वो यहाँ पे इसकी लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे 4 इंच, 4.5 इंच, और लंबाई में लेंगे हम 4.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, मैन फैब्रिक पर इसे जो हमने आगे पीछे का पार्ट हमारा कट हो चुका है, अब इसको हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। जो हमारी साइड में लेस आती है उसको हम निकाल के रख देंगे, जो हमारी बाजू पे अटैच होंगी। अब इसको आप डबल फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिछा लें। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिछा लें, आप इसको सेट कर लें। और जो हमने पार्ट कट किए हैं यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पार्ट कट करके रखे हैं पे हम सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने सेट एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेके चलेंगे जो हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ऐसे हम सेट करेंगे जो हमारे कम कपड़े में ही ब्लाउज अच्छे तरीके से कट हो जाए। यहाँ पे हम कट करेंगे, ये हमने ब्लाउज यहाँ पे कट कर लिया है। धन्यवाद।